अजी श्रीमती हो तो पाखी जैसी, जो चाय में प्यार की मिठास, नाश्ते में मोहब्बत का छौंका और डाइनिंग टेबल पर इश्क की थालियां लगाकर करती हो अपने पति का इंतजार, और पति अंशुमन जैसे अजी बिल्कुल ना हो, जो अपनी बीवी की इतने प्यार से की गई मेहनत पर यूं पानी फेर दे। पाकी बना रही है कुछ, अंशुमन आता है तो पाकी बोलती है अंशुमन खाना, और वो जो ही देखता है कि ये मुझे बोल रही है कुछ, ये इससे दूर भागना चाहता है, तो ये प्रिटेंड करते मेरा फोन पर लगा, हेलो हेलो करके निकल जाता है। मैं बीटरूट के सैंडविचेस बनाती हूँ और मुझे पता चलता है कि अंशुमन को बीटरूट से एलर्जी है, तो वो जैसे ही बीटरूट खाते हैं उनको खुजली हो जाती है, वो रेड हो जाती है। चपाकी सुना कॉल चपाकी, जिसमें सारे बॉडी पे खुजली होने लगती है, क्योंकि अंशुमन को चपाकी है इसलिए उन्होंने पाखी को चुना। अच्छा जी, तो ये माजरा है, हमें तो लगा था कि पाखी से अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में अंशुमन भाई साहब पाखी की परीक्षा लिए जा रहे हैं। फनी ट्विस्ट, फनी बात इसकी ये है कि अंशुमन पाखी की परीक्षा ले रहे हैं और पाखी के हिसाब से कोई परीक्षा नहीं है। शी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर विनिंग एवरीवन्स हार्ट इन द हाउस। बस पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी है अंशुमन ने मुझे, घर संभालना है, घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए मुझे एक लिमिटेड बजट दिया है जिसके अंदर ही मुझे घर पूरा चलाना है। यानी लाइफ ओके के सीरियल तुम्हारी पाखी में अब यही ट्विस्ट आ गया है, अंशुमन पाखी की परीक्षा ले रहे हैं और पाखी अपना पत्नी धर निभा रही है। अंशुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारी पाखी पर इसलिए थोपी है ताकि वो घर की जिम्मेदारियों से तंग आकर खुद अंशुमन की जिंदगी से चली जाए। लेकिन जी, अंशुमन का ये इरादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाखी ने ठान लिया है कि जहाँ मेरे पिया वहाँ मैं। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो।